हेलो एवरीवन, ये वीडियो है इकाइनोडर्म्स प्रैक्टिकल्स के लिए, हम कैसे पढ़ाई करें। अभी हम पढ़ेंगे पांच स्पेसिमेन के बारे में, एस्टेरियस, पेंटासेरोस, इकाइनस, एंटिडॉन और बाइपिनेरिया लार्वा। तो पहले मैं बता देती हूँ एस्टेरियस और पेंटासेरोस के बारे में। ध्यान रखिए ये सिर्फ प्रैक्टिकल्स के लिए है, तो जो मैं बता रही हूँ वो प्रैक्टिकल्स में सिर्फ पाँच छः पॉइंट्स लिखने के काम ही आएंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं एस्टेरियस और पेंटासेरोस के बारे में। अभी देख लीजिए, सारे इकाइनोडर्म्स में एक बात कॉमन है कि उनका सेंट्रल डिस्क इज डिफरेंशिएटेड इनटू ओरल एंड अबोरल सरफेस। अभी क्योंकि प्रैक्टिकल है तो आपको जो दिख रहा है वही बात सीधे सीधे लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। पहले पॉइंट में लिख सकते हैं कि इट हैज़ फाइव आर्म्स, दे आर रेडियली सिमेट्रिकल। अभी क्योंकि फाइव आर्म्स है तो इसलिए उनको स्टार फिश भी बोलते हैं और दे आर रेडियली सिमेट्रिकल। और उसके बाद लिख सकते हैं कि सेंट्रल डिस्क इज डिफरेंशिएटेड इनटू ओरल एंड अबोरल सरफेस। ये एस्टेरियस और पेंटासेरोस में कॉमन पॉइंट्स हैं। अभी ओरल सरफेस में क्या होता है, ओरल सरफेस हैज माउथ और उसमें फाइव एम्बुलक्रल माउथ फ्रॉम विच फाइव एम्बुलक्रल ग्रूव्स एक्सटेंड वन ऑन ईच आर्म। आप डायग्राम में देख सकते हैं। और उसके बाद एबोरल सरफेस को डिफाइन कर लेंगे कि एबोरल सरफेस बियर स्पाइंस एंड सीव। एबोरल मतलब जो हमें दिखता है ऊपर से देखने से वो एबोरल सरफेस होता है, उसका ओरल सरफेस उसके नीचे होता है। तो एबोरल सरफेस में क्या होता है, स्पाइंस एंड अ सीव लाइक मैड्रीपोराइट इन इंटर रेडियल पोजिशन। मैंने मतलब दो आर्म्स के बीच का जो पोजिशन होता है उसको बोलते हैं इंटर रेडियल पोजिशन, वहाँ पर होता है एक मैड्रीपोराइट। और होते हैं एम्बुलक्रल ग्रूव्स जो हमने पढ़े, माउथ इज एक्सटेंडेड इंटू एम्बुलक्रल ग्रूव्स, द एम्बुलक्रल ग्रूव्स एकोमोडेट पोडिया और ट्यूफीट। ये सारे पॉइंट्स एस्टेरियस और पेंटासेरोस दोनों में कॉमन है, तो आसान हो गया ना लर्न करने में। सिर्फ जो डिफरेंस है वो आप लोग याद कर लीजिए, वो है कि एस्टेरियस में होता है सेंट्रल डिस्क विच इज़ कंटिन्यूड टू फाइव आर्म्स, जबकि पेंटासेरोस में पेंट्रल डिस्क एंड आर्म्स आर फ्यूज टुगेदर। आप ये डायग्राम देख के ज़्यादा अच्छे समझ सकते हैं। और एस्टेरियस में टर्मिनल ट्यूब फीट आर फोटोसेंसिटिव, जबकि पेंटासेरोस में ट्यूब फीट डू नॉट हैव सकल्स। अभी ऑर्डर, ऑर्डर है एस्टेरियस का फॉर्सिपुलाटा। फॉर्सिपुलाटा यानी जिसके पेडिसिलरी में तीन स्पिक्यूल्स लगे हुए होंगे उनको बोलते हैं फॉर्सिपुलाटा। और पेंटासेरोस का ऑर्डर है फैनेरोजोनिया। अभी किंगडम तो एनिमेलिया ही है, फाइलम तो इकाइनोडर्माटा ही है। क्लास इसका होगा एस्टेरॉइडिया और पेंटासेरोस का भी एस्टेरॉइडिया होता है। और ऑर्डर की बात आए मतलब और सारी चीज़ तो सेम ही है, बस ऑर्डर है फॉर्सिपुलाटा और फैनेरोजोनिया। तो ये था एस्टेरियस और पेंटासेरोस के बारे में। अभी हम लोग बात करते हैं अबाउट इकाइनस। आप ये इकाइनस का डायग्राम देख सकते हैं। इकाइनस में भी वही सेम बात, उसका सेंट्रल डिस्क इज डिफरेंशिएटेड इनटू ओरल एंड अबोरल सर। तो बॉडी डिफरेंशिएटेड होता है ओरल और अबोरल एक्सिस में। इसको कॉमनली बोलते हैं सी अर्चिन। द बॉडी इज स्फेरिकल एंड इज डिफरेंशिएटेड इनटू फ्लैट ओरल एंड डोम शेप्ड अबोरल एक्सिस। अभी फिर से वही बात, ओरल को डिफाइन कर लेंगे। ओरल अपैरेटस कंटेन्स माउथ फ्रॉम वेयर द जॉ अपैरेटस कॉल्ड एरिस्टोटल लैंटन प्रोट्यूड्स इंटरनली। एक जॉ अपैरेटस होता है उसको बोलते हैं एरिस्टोटल लैंटन, जो कि इंटरनली प्रोट्यूड करता है। और फिर बात करते हैं एबोरल सरफेस की। एबोरल सरफेस में क्या होता है, मैड्रीपोराइट एंड गोनोपोर आर प्रेजेंट नियर द एनस एंड आर एबोरल इन पोजीशन। ये हो गया एबोरल सरफेस। अभी टेस्ट कैसा, उस बॉडी इज कवर्ड बाय अ ग्लोबुलर टेस्ट यानी कवरिंग, जो कि विच इज़ मेड अप ऑफ कैलकेरियस प्लेट्स विच आर इंटरलॉक टू फॉर्म द टेस्ट। ठीक है, ये हो गया उसका कवरिंग। तो पहले एबोरल को, ओरल को डिफाइन करेंगे, फिर एबोरल को, फिर बताएंगे कि उसका एक कवरिंग होता है जिसको, जिसमें कैलकेरियस प्लेट्स होते हैं जो कि इंटरलॉक होके बनाते हैं वो कवरिंग या फिर टेस्ट। अभी उसके बाद आप लोग बात कर सकते हैं कि ट्यूब फिट एंड इन सकर्स एंड फ्रॉम फाइव एंड फॉर्म फाइव डबल मेरिडियोनल रोज। ट्यूब फिट में सकर्स होते हैं और फाइव डबल मेरिडियोनल रोज होते हैं, वो फोटो में पता चलता है। ये हो गया कॉमन सारे, ये हो गए सारे इजी पॉइंट्स जो आप लिख सकते हैं आसानी से। और एक पॉइंट भी आप लोग लिख सकते हैं कि टेस्ट इज डिस्टिंग्विश्ड इनटू एम्बुलेक्रल एंड इंटर एम्बुलेक्रल जोन्स। अभी हम चलते हैं अबाउट एंटिडॉन। अभी एंटिडॉन का डायग्राम आप देख सकते हैं। और फेदर स्टार, कैलिक्स इज डिफरेंशिएटेड इनटू अपर, यहाँ पे सेंट्रल डिस्क नहीं होता, यहाँ पे बोलते हैं कैलिक्स। कैलिक्स को डिफरेंशिएट करते हैं अपर ओरल एंड लोअर
अब ओरल सरफेस यहाँ पे सब कुछ उल्टा हो रहा है, देखिए इसको कैलिक्स बोलते हैं और उसके अपर पार्ट में ओरल है और लोअर पार्ट में एबोरल सरफेस है। ऑन द एबोरल साइड में क्या होता है, स्टॉक एक प्रेजेंट होता है और ओरल सरफेस में क्या होता है, लेदरी स्किन होता है और माउथ प्रेजेंट होता है। माउथ इज डायरेक्टेड अपवर्ड विच इज़ सराउंडेड बाई सेंसरी ट्यूब फीट एंड दे डू नॉट हैव सकर्स। पेंटासोरस में भी नहीं था और इसमें भी सकर्स नहीं है। देन द माउथ लीड्स इंटू एम्बुलेक्रल ग्रूव्स विच डिवाइड इंटू 10 एज दे रीच नियर द एज। एज में पहुँच के 10 एम्बुलेक्रल ग्रूव्स फॉर्म हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारे फेदर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ना, तो उसमें जाने के लिए एम्बुलेक्रल ग्रूव्स भी डिवाइड हो जाते हैं। और होता है सिरी, जो कि डायग्राम में आप देख सकते हैं, सिरी जो होता है वो हेल्प करता है सबस्ट्रेटम को फिक्स करने में। सीरी इमर्ज फ्रॉम द एबोरल सर्फेस एंड अ कम्पोज ऑफ स्केलेटल ऑसिकल्स। द सी लिली अटैचेस टू द सबस्ट्रेटम बाय द हेल्प ऑफ सीरी। देर इज एनस प्रेजेंट ऑन द एबोरल सर्फेस। अब ये सारे पॉइंट्स एंटीडॉर्म में लिख। अभी बात करते हैं अबाउट बाइपिनरिया लार्वा। बाइपिनरिया लार्वा में आप ये सब पॉइंट्स लिख सकते हैं कि इट इज सीन इन एस्टेरियस। होलोब्लास्टिक एंड इनडिटर्मिनेट क्लीवेज गिव्स राइज़ टू अर्ली बाइपिनरिया। लोकोमोटरी सिलिएटेड बैंड्स आर प्रेजेंट। पहले तो ये बात लिख लीजिए और फिर लिख लीजिए दो बैंड्स क्या होते हैं, दैट इज प्री ओरल लूप प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द माउथ एंड पोस्ट ओरल लूप प्रेजेंट बिहाइंड द एनस। देन इट हैज़ थ्री लैटरल लोब्स और प्रोजेक्शंस ऑन ईच साइड ऑफ द बॉडी। देखिए थ्री लैटरल लोब्स है, फिर प्रोजेक्शन ऑन ईच साइड ऑफ द बॉडी एंड पोजेसेस द फॉलोइंग आर्म्स, दैट इज मीडियन डॉर्सल आर्म, एंटेरोडोर्सल आर्म, पोस्टेरोडोर्सल आर्म। सारे डॉर्सल ही हैं, बस मीडियन एंटेरो पोस्टेरो, और फिर पोस्ट ओरल, ओरल के बाद वाला पोस्ट ओरल, और एक है पोस्टेरो लैटरल आर्म। तो ये हो गया अबाउट बाइपिनरिया लार्वा। पहले तो एस्टेरियस में दिखाई देता है, इनडिटर्मिनेट क्लीवेज होता है, दो सिलिएटेड बैंड्स होते हैं प्री ओरल पोस्ट ओरल, लैटरल साइड में प्रोजेक्शंस होते हैं और पोजेसेस द फॉलोइंग आर्म्स। ये था बाइपिनरिया लार्वा। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो। थैंक यू।